तो जो मिर्ची के पौधा उगे थे तो हमने मिर्ची लगा दी है, एक खड़िया मिर्ची लग चुकी है। और गर्मी से कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं मिर्ची, तो देखिए हमने खड़िया मिर्ची सारी में लगा दी है। तो आप देख रहे हैं कुछ अभी लगे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर ना छोटा सा पपीता का पौधा है और भी पपीते लगे हुए हैं। और यहाँ पर हेलो नमस्कार यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं बल्सा अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज ब्लॉग हमने किचन से स्टार्ट किया है और जो भी सुबह की क्लीनिंग वगैरह थी सब कुछ हमने साफ कर लिया है। और यहां पर नहा धुल के पूजा पाठ करके हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, उसमें जीरा। तो यहाँ पर ना बच्चे की आवाज़ आ रही है क्योंकि आपस में झगड़ रहे थे। तो यहाँ पर ना हम बना रहे हैं आलू और मटर की सब्ज़ी। मटर को ना हमने शाम को ही गलने के लिए रख दी थी और आलू के साथ उबाल ली है। यहाँ पर हमने मसाला भी तैयार कर लिया है पीस कर। और यहाँ आज हम पीसे मसाले की सब्ज़ी बनाएंगे। कुछ नहीं, सादा सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमने तेज़पत्ता और प्याज का छौंक लगा दिया था। तो कुछ नहीं, सादा सिंपल सी सब्ज़ी बन रही है आज। और गर्मी में तो आलू काफ़ी अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ अलग से मिलाया जाए, तो जो मटर होती है ना उसको हमने सूखे कर रख लिया था। तो हमारा मसाला ना थोड़ा भुन गया था तो उसमें हमने मटर डाल दिया। मटर को 2-5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मसाले में। और देखिए हमारा मसाला भी अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर ना हम टमाटर डाल देंगे। जो हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, जो छोटे टुकड़ों में हमने काट लिए थे, तो इसमें ना मसाले में अच्छे से पका लेंगे टमाटरों को। और जब टमाटर पक जाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए हम, और यहाँ पर आलू हैं तो आलूओं को हम हाथों से मसल लेंगे। और क्या ना, हाँ अच्छे से उबल गए तो आसानी से मसले जा रहे हैं। आलू अच्छे से उबल जाए ना तो हाथों से भी अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम हाथों से अच्छे से मैश करके, और हमारे यहाँ मसाला भी भून कर रेडी हो चुका है। तो हम इसमें ना आलू डाल देंगे। और क्योंकि इस आलू और टमाटर की सब्ज़ी तो काफ़ी सब लोगों को पसंद होती है, और एकदम से अकेले आलू भी अच्छे नहीं लगते हैं बनाने के लिए। और आलू बिना तो कुछ भी सब्ज़ी सैली भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, और क्या है ना कि अभी हमने नमक नहीं डाला है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और यहाँ पर हमने 1 लोटा पानी डाल दिया है, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हमको गाढ़ी लग रही है। तो हमने 1 लोटा पानी और डाल दिया है, तो ये अब ठीक है। और इसी तरह की हम अच्छे से इसमें तली बना लेंगे क्योंकि ज़्यादा सब लोगों को अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पर ना स्वाद अनुसार हमने नमक भी डाल, तो यहाँ पर हमने सब्ज़ी बन गई थी हमारी। सो और खाना माना सब कुछ रेडी हो चुका था। फिर उसके बाद काफ़ी गर्मी हो रही थी ना, तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ और जल्दी जल्दी काम वगैरह निपटा के और छाँव में बैठ गए थे क्योंकि लाइट वगैरह भी आ नहीं रही है। क्योंकि दोपहर में लाइट कट जाती है तो काफ़ी परेशानी आती है। और यहाँ पर ना गर्मियों को सारे दिन भुगतना पड़ता है, पसीने से बुरा हाल हो जाता है। और गर्मी में तो गर्मी के कारण हमारी माँ जी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो क्या ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब से पानी बरसा है तब से काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि जल्दी काम निपटा कर हवा में बैठ जा, लेकिन नहीं, लाइट भी नहीं आती है और गर्मी काफ़ी बहुत कम लाइट होती है। दोपहर में तो ये चली जाती है। तो यहाँ पर ना शाम को हमने सारे आंगन में झाड़ू लगा ली है। और यहाँ पर देखो बच्ची बुआ के थाली, यहाँ पर देखिए बुआ ने उसको खाने की थाली पकड़ा दी है। तो उसको ना माँ जहाँ पर बर्तन साफ़ होते हैं वहीं पर ही रख देगी, है ना। बच्चों को तो इतना शौक़ होता है काम करने के, लेकिन छोटी है कुछ भी नहीं करने देती। अगर रोटी बनाने बैठो तो पास में बैठ जाती है। चली पसीना से पूरे भीग गए, तो इतना पसीना, इतनी अच्छी हवा लग रही है। तो यहाँ पर देखिए,
तो यहाँ पर सोचा कि थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा दे, तो कितना बाहर इतना अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी तो गर्मी हो रही थी ना। शाम को काम वगैरह करके निपटे तो पसीना से बुरा हाल हो चुका था, तो यहाँ पर हम बाहर आ गए थे टहलने के लिए। तो तो जो यहाँ पर ना मिर्ची के गाय पौधा वगैरह उगे चल थे तो रही हैं हमने खेतों मिर्ची में। लगा दी है, एक खड़िया मिर्ची लग चुकी है और गर्मी से कितना बुरा हाल हो रहा है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं मिर्ची। तो देखिए हमने इस खड़िया मिर्ची सारी में लगा दी है, तो आप देखिए पाटा लगाया हुआ है। थोड़ा गर्मी में सूख गया था क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा था, तो पानी बरसा जब से हरा हो गया। तो एक ग्वालपाटा हर चीज़ में काम आता है, फेस पे लगाने के काम में और दवाई के काम में, और पैर जैसे चोट वगैरह लग जाए तो उसके भी काम है। और ये है हमारे मिर्ची के पौधे रखे हुए हैं कुछ, अभी लगे नहीं हैं, लगेंगे। तो यहाँ पे ना कुछ छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं, तो देखिएगा। तो यहाँ से ना ये सारी बना उधर इतना लंबा चौड़ा खड़िया में सारी खड़िया में हमने मिर्ची के पौधे लगा दिए हैं। तो लगाया छोटा देखिए सा पपीता का पौधा है और भी पपीते लगे हुए हैं। और यहाँ पर गाय चर रही हैं, तो देखिए और पास में ला के देखते हैं। यहाँ पर पूरा खेत है, पूरे खेत को साफ हो गया है। यहाँ पर गर्मियों में सब्जी लगी थी तो यहाँ पर खेतों में हुई है, तो सारा खेत को हमने साफ कर लिया है। अब इसमें ट्रैक्टर से हम इसको जुतवाएंगे और इसमें हो जाएगी मक्का। और तो फिर इसीलिए क्लीन कर लिया है सारे को, न गायों ने सब कुछ साफ खा पी के सब कुछ साफ कर दिया है। तो यहाँ गायों की हो रही है चराई। तो देखिए छोटा सा मूंगफली का पौधा, तो देखिए मूंगफली का पौधा एक छोटा सा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।